2017 में छापा मरवा रहे थे तो 2017 में हम लोग अलग हो गए, तो 5 साल कुछ नहीं हुआ। 5 साल कुछ हुआ 2017 से 2022 तक, बताइए आप ही लोग, कोई बताइए, एक आदमी नहीं हुआ। लालू तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जब जांच होती थी तो ललन सिंह भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन बिहार में सरकार बदली तो सत्ता के साथ साथ ललन सिंह की भाषा भी बदल गई। जिस तेजस्वी और लालू को कभी ललन भ्रष्टाचारी बताते थे तो आज उनके लिए जांच एजेंसियों से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जब 2017 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब बीजेपी ने अपने जांच एजेंसी वाले तोते का इस्तेमाल कर गठबंधन तोड़ा दिया था। फिर 5 साल तक कोई कार्रवाई लालू यादव और तेजस्वी यादव पर नहीं हुई, लेकिन जब दोबारा 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर जांच शुरू हो गया, लेकिन इस जांच का अब तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया, केवल परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप खुद बताइए कि 2017 में तो जिन लोगों ने सरकार तुड़वा दिया आखिर 5 साल वो खामोश क्यों रहे। केंद्रीय एजेंसियां केवल बीजेपी का तोता बन के रह गई हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय एजेंसियों में जो लोग हैं उनके लिए टिप्पणी करता है कि अगर ईडी के अधिकारी का तबादला हो जाता है तो क्या ईडी का दफ्तर बंद हो जाएगा। आखिर केंद्र की सरकार एक्सटेंशन क्यों दे रही है। कई तरह के गंभीर आरोप आज ललन सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया है। ललन सिंह ने साफ कर दिया कि केंद्र की सरकार भ्रष्टम सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब बिहार में आप एक बात बताइए जरा हमको, 2017 में छापा मरवा रहे थे तो 2017 में हम लोग अलग हो गए, तो 5 साल कुछ नहीं हुआ। 5 साल कुछ हुआ 2017 से 2022 तक, बताइए आप ही लोग, कोई बताइए, एक आदमी नहीं हुआ। आज जैसे ही फिर 2022 में हम लोग साथ हो गए फिर शुरू हो गया। तो क्या है ये पालतू तोतों का इस्तेमाल करते हैं आप। बहुत ठीक कहा अभी जो ईडी के जो अखबारों ने हम लोगों ने देखा ईडी का जो एक्सटेंशन ये लगातार दिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाह भाई, तो ये आदमी अगर नहीं रहेगा तो ईडी संस्था समाप्त हो जाएगी, तो ईडी नहीं ना चल सकता है। तो ये हाल है, लेकिन करेंगे कैसे, वो सब पालतू हैं, तो पालतू को छोड़ के कोई नया को काहे के लिए लाएगा। तो इसलिए आज फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में लोकतंत्र स्थापित किया है, इनके लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे को जो देश में सारी संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, सारे पालतू तोतों का जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे थे, उनको अपने नियंत्रण में ले रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे थे, उस सब पर लगाम कसने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और फिर से इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है।